ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली बची थी, क्योंकि रेडिएशन फैलने की वजह से सभी लोग मर चुके थे। पर इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उस रेडिएशन से बचने वाला आखिरी इंसान था। अब इसके बाद उन दोनों के बीच में आगे क्या क्या होता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है Z4 ज़कारिया और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में किसी तरह का रेडिएशन फैल चुका है जिसके कारण दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोग मर चुके हैं। इसी बीच हम ऐना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शहर से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। ऐना ने अपने पूरे शरीर को कवर करके रखा था ताकि उस पर रेडिएशन का असर ना हो। यहाँ हम देखते हैं कि ऐन पहाड़ों में अकेली रहती है और यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है, जिस वजह से वो अभी भी जिंदा थी। फिर घर आने पर ऐन अपने आप को अच्छे से साफ करती है, क्योंकि अगर रेडिएशन का एक छोटा सा भी हिस्सा उसकी बॉडी पर रहा तो उसकी जान जा सकती है। ऐन यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रह रही थी और वो अक्सर जरूरी सामान लेने के लिए शहर जाया करती थी। फिर एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ कहीं जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी वैन को खींचता हुआ कहीं जा रहा था। उस आदमी का नाम लुमिज होता है और उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पहना हुआ था। फिर लुमिज जब उस सूट को उतारता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे अब एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर रेडिएशन अभी तक फैला नहीं था। इसके बाद लुमिस एक झरने में जाकर नहाने लगता है, पर तभी वहाँ पर ऐन आ जाती है और वो तुरंत लुमिस को बाहर निकलने के लिए बोलती है क्योंकि उस पानी में रेडिएशन फैला हुआ था। अब लुमिस को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत बाहर आ जाता है, पर तब तक लुमिस इन्फेक्टेड हो चुका था और उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब लुमिस बहुत ही मुश्किल से अपनी वैन के पास आता है और एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, पर अब क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी इसलिए वो उस इंजेक्शन को लगा नहीं पा रहा था। फिर लुमिस एन को उसे इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है और एन उसे इंजेक्शन लगा देती है। अब क्योंकि लुमिस काफी ज्यादा बीमार हो चुका था इसलिए एन उसे अपने घर ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। एन गॉड से प्रार्थना भी करती है कि लुमिस को कुछ ना हो, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रह रही थी और अब वो फिर से अकेली नहीं होना चाहती थी। अब इसके कुछ दिनों बाद लुमिस की कंडीशन बेटर होने लगती है और फिर एक दिन जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी लुमिस ऐना को बताता है कि ये जगह पूरी तरह पहाड़ों से घिरी हुई है इसलिए यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं पहुंचा। अब ये सुनकर ऐना उसे बोलती है कि ये जगह गॉड ने हमारे लिए बनाई है ताकि हम यहाँ पर जिंदा रह सकें। एन लुमिस को ये भी बताती है कि उसके फादर और भाई बाकी बचे हुए जिंदा लोगों को ढूंढने गए थे पर आज तक वो वापस नहीं आए। फिर अगले दिन जब एन खेत में काम कर रही थी तब लुमिस उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, पर इस पर एन उसे बोलती है कि इसमें पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप बिजली से चलता है जो काफी सालों से यहाँ पर नहीं आई। पर इस पर लुमिस उसे बताता है कि हम बिना बिजली के भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हैं और फिर जब एन उसके इस तरीके को ट्राई करती है तो वो पंप से पेट्रोल निकालने में कामयाब रहती है। फिर रात को जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो एन के पूछने पर लुमिस उसे बताता है कि वो अपने बाकी सर्वाइवर दोस्तों के साथ सरकार के दिए हुए बंकर में रह रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो वहाँ से निकल गया। लुमिस बोलता है कि उसे इतना तो विश्वास था कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसी जगह तो जरूर होगी जहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुँचा और फाइनली उसे ये जगह मिल चुकी है। फिर अगले दिन मछलियाँ पकड़ते हुए एन लुमिस को बताती है कि हमारा जनरेटर खराब हो चुका है और उससे फ्रीजर चलना बंद हो गया है, जिस वजह से उसे खाना स्टोर करने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर जब लुमिस को पता चलता है कि एन के पास जनरेटर है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी लुमिस उसे ठीक नहीं कर पाता। पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एन को बोलता है कि हम झरने के पानी की मदद से बिजली पैदा कर सकते हैं, पर इसके लिए उनको एक लकड़ी के बड़े पहिए की जरूरत पड़ेगी। फिर पहिया बनाने के लिए लुमिस चर्च को तोड़ने का डिसाइड करता है, पर एन उसे मना कर देती है क्योंकि ये चर्च उसके परिवार की आखिरी निशानी थी और इसे उसके फादर ने बनाया था। अब लुमिस भी एन की बात मान लेता है और वो चर्च को नहीं तोड़ता। फिर उसी रात लुमिस बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो एन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर एन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन उठने पर लुमिस को अपनी गलती का एहसास होता है इसलिए वो एन के पास जाकर उससे कल रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जब एन चर्च में पियानो बजा रही थी तभी उसे खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है, जिसको देखकर एन को लगता है कि शायद ये लुमिस होगा। पर जब एन उससे इस बारे में पूछती है तो लुमिस उसे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। फिर उसी रात एन तैयार होकर घर पर लुमिस के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है और डिनर के बाद जब एन लुमिस के करीब आने लगती है तो लुमिस उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए, जिस पर एन भी इसके लिए मान जाती है। फिर अगले दिन एन लुमिस के पास आती है और वो उसे चर्च तोड़कर पहिया बनाने के लिए हाँ बोल देती है, पर इस बार लुमिस उसे मना कर देता है और बोलता है कि हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। फिर कुछ देर बाद एन को सैलेब नाम का एक और आदमी मिलता है और वो उसे अपने घर ले आती है।
पर लुमिस को सेलेब का यहाँ आना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद लुमिस जब सेलेब का रेडिएशन लेवल चेक करता है तब उसे पता चलता है कि सेलेब के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है, जिस वजह से लुमिस उसे बाहर ही रुकने के लिए बोलता है। पर ये सब एन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लुमिस को बोलती है कि हमें उसे घर के अंदर ले लेना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। अब लुमिस भी एन की बात मान लेता है और वो सेलेब को घर के अंदर बुला लेते हैं। फिर इसके बाद जब वो तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तो लुमिस उनको अपनी एक कहानी बताता है कि एक बार जब वो पानी लेकर वापस अपनी वैन में आया तो वहां पर वो एक लड़के को देखता है जो रेडिएशन से तड़प रहा था। फिर वो लड़का लुमिस के हाथ में बंदूक देखकर लुमिस को उसे गोली मारने के लिए बोलता है, पर लुमिस ऐसा नहीं कर पाता और वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद सेलेब भी अपनी कहानी सुनाता है और वो बताता है कि जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ एक माइन में काम कर रहा था, पर रेडिएशन की वजह से वो लोग वहीं पर ही फंस गए। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोग वहां से बाहर जाने की जिद करने लगे, जिस वजह से उन सभी में आपस में लड़ाई हो गई और उन सब ने एक दूसरे को मार डाला और उन सभी में सेलेब भी अकेला जिंदा बचा। फिर लंच के बाद एन लुमिस को बोलती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर लुमिस उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो लड़का तुम्हारा भाई होगा और मैंने उस दिन उसे शूट कर दिया था। अब ये सुनने के बाद एन लुमिस को कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भी पता था कि रेडिएशन की वजह से उसका छोटा भाई वैसे भी बचने नहीं वाला था। फिर जब अगले दिन लुमिस और सेलेब जंगल में शिकार कर रहे होते हैं तब लुमिस सेलेब को पानी से बिजली पैदा करने के बारे में बताता है और ये आइडिया सेलेब को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगते हैं, पर तभी सेलेब एन को उसके साथ वॉक पर चलने के लिए बोलता है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब सेलेब एन को लुमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और बोलता है कि लुमिस भगवान में नहीं मानता, इसलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ने के लिए बोला। पर इस पर एन उसे बोलती है कि भले ही लुमिस भगवान को नहीं मानता पर वो ये सब हमारी मदद करने के लिए कर रहा है। इसके बाद जब वो दोनों साथ में वापस आ रहे होते हैं तो लुमिस उन्हें वहां पर देख लेता है और उन्हें साथ देखकर लुमिस को बहुत जलन होने लगती है। फिर रात को लुमिस एन को बुलाकर बोलता है कि अगर तुम सेलेब को पसंद करने लगी हो तो मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, पर यह बात सुनकर एन को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि एन और लुमिस में बातें होना भी बहुत कम हो जाती हैं। दूसरी तरफ वो पहिया बनकर भी तैयार हो जाता है, इसलिए इस खुशी में वो तीनों रात को पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो तीनों साथ में लेक पर नहाने भी जाते हैं, पर तभी लुमिस एन के पास आता है और वो उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, पर एन इस पर उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब लुमिस बहुत ज्यादा नशे में था इसलिए वो घर आते ही सो जाता है, पर वहीं पर एन को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सेलेब और लुमिस में से किसको चुने क्योंकि अब वो उन दोनों को ही पसंद करती थी। अब इसी कंफ्यूजन में एन सेलेब के पास चली जाती है और वो दोनों साथ में पूरी रात एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जब लुमिस सोकर उठता है तो वो देखता है कि एन और सेलेब कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में रात को कुछ तो हुआ है। इसके बाद लुमिस और सेलेब पहिए को फिट करने के लिए झरने के पास जाते हैं और पहिया काम करना भी शुरू कर देता है। तभी सेलेब लुमिस का सूट पहनकर झरने में उतरकर काम कर रहा होता है और वहीं लुमिस एक केबल पकड़कर सेलेब को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जब सेलेब काम खत्म करके ऊपर आ रहा होता है तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर तभी लुमिस उसकी सूट की केबल को पकड़कर उसे बचा लेता है। पर तभी लुमिस सोचता है कि अगर उसने सेलेब को यहाँ से नीचे फेंक दिया तो वो एन की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद जब लुमिस घर आता है तो एन उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है, पर इस पर लुमिस उसे बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और सेलेब भी दूसरे शहर के लिए निकल चुका है। अब यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चल जाता है कि लुमिस ने सेलेब को पहाड़ से नीचे फेंक कर मार दिया है। फिर इसके बाद लुमिस जनरेटर चालू करता है जिससे पूरे घर में बिजली आ जाती है। फिर इसके बाद जब एन पियानो बजा रही होती है तो लुमिस वहां पर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।